नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। क्या वोडाफोन आइडिया का बुरा दौर अब खत्म हो गया है? जेके टायर का कितना गुना बड़ा मुनाफा, कितना गिरा सिरमा SGS का शेयर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें, तो चलिए शुरू करते हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। गुरुवार 2 नवंबर को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 8% की बड़ी छलांग लगाकर ₹13.85 के साथ 52 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद हुआ। दरअसल वोडाफोन आइडिया को HDFC बैंक से 2,000 करोड़ रुपए का लोन मिला है, जिससे कंपनी को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लाइसेंस फीस और करीब 1,700 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का भुगतान कर दिया है। अदानी समूह की कंपनी अदानी पावर ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी लैंको अमरकंटक पावर को खरीदने में फिर से दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए अदानी पावर ने अपनी बोली बढ़ा दी है। अब अदानी समूह की कंपनी ने 3,650 करोड़ रुपए का बड़ा हुआ ऑफर पेश किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही में मुनाफे से घाटे में आने के बावजूद टाटा स्टील का शेयर गुरुवार 2 नवंबर को दिन की ऊंचाई के करीब 118.50 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी तिमाही में कंपनी को 1,297 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 6,511 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जेके टायर का शेयर 10.25% की बढ़त के साथ 338.25 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 46.6 करोड़ रुपए से 5 गुना बढ़कर 248.6 करोड़ रुपए रहा है। दमदार नतीजों के दम पर कारोबारी सत्र के दौरान शेयर 14% उछलकर 351.25 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया था। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन के शेयरों में आज करीब 8% तक की गिरावट देखी गई। ये स्टॉक 6.76% गिरकर 595.05 रुपए के भाव पर बंद हुआ। दरअसल कंपनी ने सितंबर तिमाही में कमजोर नतीजे जारी किए हैं, जिस वजह से निवेशकों ने आज बिकवाली की है। दूसरी तिमाही में मार्जिन में तेज गिरावट के चलते सिरमा SGS का शेयर 13% तक लुढ़क गया। कामकाजी मुनाफे पर दबाव के चलते कंपनी का मुनाफा 28.3 करोड़ रुपए पर साल दर साल एकदम सपाट रहा। कोटक महिंद्रा बैंक ने 4,051 करोड़ रुपए में कोटक जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी बेचने के लिए ज्यूरिक इंश्योरेंस के साथ करार किया है। इस सौदे की खबर से कारोबार की समाप्ति पर कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 0.25% चढ़कर 1,036.20 रुपए पर बंद हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही में मुनाफा साल दर साल 50% घटकर 76 करोड़ रुपए रहने से GMDC का शेयर आज यानी कि गुरुवार को 11% से ज्यादा लुढ़क गया था। हालांकि कारोबार की समाप्ति पर शेयर 8% टूटकर 323.60 रुपए पर बंद हुआ। अदानी समूह की FMCG कारोबार से जुड़ी कंपनी अदानी विलमार को दूसरी तिमाही में 89 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले 131 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पर मुनाफे से घाटे में आने के बावजूद शेयर आज हल्की बढ़त के साथ 316 रुपए पर बंद हुए। हालांकि दिन के दौरान शेयर 311.85 रुपए तक फिसल गया था। तो आज के कॉरपोरेट सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता, अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।